सभी व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया। आज हम बनाएंगे ट्रांसपेरेंट ऑरेंज विद वाटर इफेक्ट्स। एंड्रॉइड या एप्पल टैब में हम यूज करेंगे हाइपेन टैब। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले प्लस पर क्लिक करेंगे, न्यू कैनवास लेंगे, देन 1080 बाय 1080 का साइज लेंगे। काम स्टार्ट करने के लिए पहले हम फोल्डर्स बना लेंगे ताकि हम सारे लेयर्स को इंडिविजुअल फोल्डर्स में रख सकें। इमेजेस ऐड करने के लिए पहले प्लस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे, देन फिर गैलरी सिलेक्ट कर लेंगे। पिक्चर ऐड करने के बाद में उसको थोड़ा स्केल करेंगे, देन उसको गॉशियन ब्लर देंगे, देन यू एंड सैचुरेशन थोड़ा स्केल कर लेंगे। हमने 3 फोल्डर बनाए हैं, बैकग्राउंड, स्लाइस और फुल। तो बैकग्राउंड का इमेज बैकग्राउंड में मूव कर देंगे, फुल का इमेज फुल में और स्लाइस के इमेजेस स्लाइस में, ताकि लेयर्स नीट एंड क्लीन मैनेज रहे। ऑरेंज का हम 3 कॉपी बना लेंगे। पहला है बेस के लिए और बीच वाला है मिड स्लाइस के लिए और थर्ड वाला जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए। मिड स्लाइस को शेप के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अभी बीच वाला लेयर सिलेक्ट करके ऊपर का पार्ट हम डिलीट कर देंगे। अब ऊपर का टॉप पार्ट सिलेक्ट करके उसको ट्रांसपेरेंसी के लिए यू एंड सैचुरेशन को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे और ब्लेंड मोड को ओवरले सिलेक्ट करके थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि परफेक्ट लुक आए। अननेसेसरी पार्ट को थोड़ा डिलीट कर देंगे नीचे के ट्रांसपेरेंसी को। सेंटर बॉर्डर को थोड़ा वाटर लुक ऐड कर देंगे। ब्लेंड मोड को कलर सिलेक्ट कर लेंगे। अननेसेसरी पार्ट्स को थोड़ा डिलीट कर देंगे ताकि थोड़ा नेचुरल लुक बने। कैपेसिटी थोड़ा कम कर देंगे एंड थोड़ा सा एक शेडिंग का टच देंगे ताकि थोड़ा और नेचुरल लुक बन के आए। शेडिंग की ब्लेंड मोड को ओवरले कर लेंगे। ऑरेंज के टॉप पॉइंट को हम थोड़ा कलरिंग रखेंगे ताकि थोड़ा सा अलग लुक मिले। अभी थोड़ा शेडो ऐड करने के लिए न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। ऑरेंज के नीचे वो लेयर को रख देंगे एंड इंक में जाके बॉल पेन से फाइन शेप एक सर्कल बना के उसे गॉशियन ब्लर देके प्रॉपर एक शेडो क्रिएट कर लेंगे।
ऑरेंज ऐड करने के बाद में उसका दो कॉपी बना लेंगे एक ट्रांसपेरेंसी के लिए और एक नीचे के बेस को क्रिएट करने के लिए और एक मैं बैकअप के लिए रखता हूँ ताकि एक ओरिजिनल शेप कभी इन केस खराब हो जाए तो वापस इंपोर्ट ना करना पड़े। बॉर्डर को शेप को इंपोर्ट करके एकदम लास्ट वाले लेयर में डाल देंगे ताकि वो पीछे चले जाए और ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट बना रहे और अननेसेसरी जो वाटर के थोड़े पार्ट्स हैं उसको हम डिलीट कर देंगे ताकि एक स्मूथ शेप बना रहे। यहाँ भी थोड़ा शेडो ऐड कर लेंगे एक रफ शेप देके देन उसे गाशन ब्लर कर देंगे।
थोड़ा सा और नेचुरल लुक लाने के लिए हम ब्लू लीफ को ऐड कर देंगे और उसके थोड़ा अननेसेसरी लीफ को डिलीट कर देंगे और दो ही रिक्वायर्ड शेप को रखेंगे और उस पर थोड़ा शेडिंग दे के थोड़ा डेप्थ क्रिएट कर देंगे। फाइनल आर्टवर्क तैयार है। आपको ये अगर ट्यूटोरियल कैसा लगा आप फीडबैक में कमेंट दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।